नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस सिंगिंग मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जब से मैं काउंसलर बनी और चारों स्कूल की हेल्प
पेड़ पौधों से आज एक भी पेड़ पौधा ही नजर नहीं आ रहा है।
जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉर्पोरेशन की जानिब से एक स्लोगन चला है, क्लीन आसनसोल ग्रीन आसनसोल। क्लीन तो हो गया है लेकिन ग्रीनरी जो है कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। हम लोगों के स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे लेकिन मजबूरी के तहत जो है जब बिल्डिंग बनी तो मजबूरी में वो पेड़ पौधे काट दिए गए। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पर हम लोग जो है छोटा मोटा पौधा लगा सकते हैं। और फिर और सबों को याद हम जो आज जो यहाँ पर भी है जो मुद्दा चुका कर रहे हैं, जिस वक्त हमने शुरू शुरू में ज्वाइनिंग किया था, मैं रहमानिया स्कूल में 11 अप्रैल 1989 में हमने ज्वाइन किया था उस स्कूल के अंदर में। और तभी से हमारा लगन था कि हम जब इस स्कूल के अंदर में रहमानिया स्कूल में जब हम आए हैं तो हमको जब दो चीज़ का जिम्मेदारी दिया गया है, इंशाल्लाह हमको हर लिहाज से तालीम का मामला में, स्पोर्ट्स का मामला में, चाहे हमको आगे लेकर के जाने का बच्चा का मामला में हो, उस वक्त से हमको लगन था। और हम हर जगह जो भी स्कूल हम लोग को पार्टिसिपेट हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता था तो हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं हमारे भी बच्चा है उसको भी हमको लेकर के जाना है और हमको आगे से आगे लेकर के बच्चों को भी चलना है ताकि हम लोग का बच्चा कोई पीछे नहीं रहे। और उसके बाद स्कूल के तालीम टीचर मजुजा साहब अपनी अपना तोहफा मास्टर सभी साहब की खिदमत में पेश करें। तमाम लोगों से, गार्जियन से और बच्चों से बहुत अच्छा ये था हमको रिलेशनशिप एकदम। और तालीम का मामला, हर चीज़ का मामला में हमको हर तरह का तावन मिला और हम लोग आगे बढ़े नहीं पाते। और अभी जो नए हेड मास्टर आपके जगह हम आए नए, उनके लिए क्या मैसेज, क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए ये है कि वो थोड़ा सा अभी नए नए हैं लेकिन फिर भी वो आ जाएंगे, उनको भी जब बहुत सारा बात उनको बता दिया कि आगे बढ़ना है लेकर के बच्चों को साथ में टाइमिंग स्कूल करना है और टाइम से आना है स्कूल में, बच्चों को जो है डेली पार्टिसिपेट करें, आप सेंट नहीं होगा इसके ज़्यादा ध्यान देना, सब उस बात बता दी है उनको, इन जो है आगे ऐसा कोई अधूरा काम जो चाहेंगे कि आप चले जाने के बाद वो काम पूरा हो गया वो काम सकते हैं। और ऐसे जो है जैसे कि आप लोग वाटर फिल्टर उल्टर और भी सब डिमांड मंड किया है तो सब चीज़ जो है वो आने वाले जो लोग हैं वो लोग पूरा करेंगे। ऐसे तो कौनसर साहब कोई बोल दिया और उसी बात बोला कि दिक्कत हम लोग को देने के लिए कि हम हर स्कूल में वाटर फिल्टर भी देंगे और कोशिश करेंगे हम लोग। और बहुत सारा कुछ भी अगर स्कूल के सिलसिले में अगर आएगा ग्रांड या और भी कुछ अगर तो उसमें हम लोग को उसमें लगा हुआ रहना है और हम लोग काम को आगे बढ़ाना है बात है, ताकि जैसे कि हम लोग बेंच वगैरह आया कुछ भी बहुत सारा स्कूल ने कुछ कर लिया लेकिन हम लोग बोला नहीं, हम लोग को सरकार अगर देगा तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज बच्चे उर्दू मीडियम से दूर क्यों होते चले जा रहे हैं, कहाँ पर चुप हो रही है? हाँ बच्चे माशी हालत से थोड़ा सा कमजोर है इसीलिए अब बच्चे को हम लोग बहुत दूर दूर से ला रहे हैं, जैसे कि गोदी कुलवनी नीघा, थोड़ा सा बस का प्रॉब्लम, थोड़ा सा माशी थोड़ा सा पोजिशन है, इसलिए कि हम देखा कि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में और दूसरी बात यहाँ पर में बहुत वीकनेस कमजोर लोग हैं यहाँ पर अकेला चलाने वाले और भी सर वीक में जब बुलाते हैं तो गाड़ी लगाने के बाद, इसलिए कि इसका एक दिन अगर नहीं आएंगे तो उसका रोजी रोटी जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए जो है मदर आते हैं। अब आज इस स्कूल के हेड मास्टर साहब रिटायर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने आज तक अपना कार्यक्रम ईमानदारी और कर्मठता से उन्होंने अपना बीमारी को निभाया, क्योंकि मैं देखिए पढ़ाई के साथ साथ
उन्होंने देखा कि स्कूल में और भी क्या चीज़ की जरूरत है, उनको उनके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया और वो पूरा हुआ। तो सर को यही धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि आपके जैसा अगर शिक्षक सोच रखे तो वाकई में हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे जाएगा। सर ने एक बात कहा कि स्कूल में जो कंप्यूटर उन्होंने आपने ही दिलवाया, आपने मेहनत से कंप्यूटर मिला, उनकी शिकायत कि टीचर ने, क्या टीचर का इंतजाम हो पाएगा आपके द्वारा? जी मैं टीचर की भी मांग रखूँगी कि टीचर भी आए और बहुत जल्द ही वाटर फिल्टर का भी मांग मेयर साहब कॉर्पोरेशन से मैं करूँगी कि सर अप्लीकेशन दीजिए, मैं चारों स्कूल में भी दिला पाऊँगी।